हाय व्हाट्स अप ब्रो, तो क्या चल रहा आजकल। फर्स्ट अपडेट मुफार की तरफ से, तो मुफार की इसी मंथ एल्बम आ रही है। मुफार ने स्टोरी लगाई कि वॉज वर्किंग ऑन माई फर्स्ट एल्बम, फाइनली डन विद द ट्रैक लिस्ट, एंड डेट नहीं बताई है। वो इस मंथ कभी भी ट्रैक ड्रॉप कर सकते हैं और वो म्यूजिक वीडियो भी इसी मंथ शूट करेंगे। नेक्स्ट अपडेट कलम इंक की तरफ से, कलम इंक ने स्टोरी लगाई एमी वे बंटाई का थैंक्स टू माई हेटर्स वाला सॉन्ग लगाकर अपने एक सॉन्ग की हिंट दी कि वायरस और अर्थ वाला इमोजी लगा रखा था, आप इसको डिकोड करके कमेंट्स में बताओ। एंड एक और स्टोरी लगाई थी जिसमें लिखा था कि नाज मेरे दिल की बातें बोल देता है, ही इज सोमी और ग्रेविटी का प्रॉब्लम ट्रैक आउट हो चुका है, जाकर चेक कर लो। नेक्स्ट अपडेट कृष्णा की तरफ से, तो कृष्णा जापान घूम रहे हैं। कृष्णा जब भी बाहर जाते हैं तो वो वीडियो शूट जरूर कर लेते हैं अपने गानों के लिए, ऐसे खाली घूमने बहुत कम ही जाते हैं। सो मे बी कृष्णा की तरफ से बहुत जल्द कोई न्यू ट्रैक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट रफ्तार की तरफ से, तो रफ्तार का शो था कोलकाता में, सो वहां मोका साइक्लोन 6 मई को आ सकता है, पॉसिबिलिटी है आने की, और अलर्ट भी जारी किया गया है, इसलिए रफ्तार का शो पोस्टपोन कर दिया गया है। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है नेक्स्ट डेट बता दी जाएगी। नेक्स्ट अपडेट इक्का की तरफ से, तो इक्का की एक रोलिंग स्टोन इंडिया करके पेज है, उसने इक्का की कवर स्टोरी छाप दी है, जाए आप जाकर पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नेक्स्ट अपडेट हनी सिंह और नुसरत भरूचा के रिलेशनशिप के बारे में, तो आपको बता दे कि नुसरत भरूचा वही है जो हनी सिंह के साथ सयाजी वाले सॉन्ग में नजर आई थी, और वो सॉन्ग अब 500 मिलियन पार हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि यू नो व्हाट, ये मेरे लाइफ का पहला डेटिंग रूमर है, ऑल्सो बिकॉज आई हैव नेवर बीन विद एनीवन, व्हेन दिस केम आई वाज लाइक वाओ आई फाइनली हैव वन। और नुसरत ऑल्सो सेड कि उनको इन सब अफवाहों से कोई फर्क नहीं पड़ता, सो जितना मर्जी न्यूज छाप दो, आई थिंक पीपल हैव नो वर्क इन लाइफ एंड दे ऑल्सो हैव अ ग्रेट इमेजिनेशन, सो करते रहो, आई हैव नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं कि हनी सिंह इस सब पर क्या बोलते हैं। नेक्स्ट अपडेट मिस्टर फेजू की तरफ से, तो फैसल शेख ने एमी वे बंटाई के सॉन्ग छोड़ डाला वाले सॉन्ग पर एक स्टोरी लगाई और उस पर टिकटॉक टाइप से लिप सिंक की है, आप खुद देख लो। शायद उनको ये सॉन्ग बहुत इंस्पायर किया होगा। नेक्स्ट अपडेट एमी वे बंटाई की तरफ से, तो एमी वे बंटाई अपने सॉन्ग क्या बोलती पब्लिक वाला ट्रैक जब शूट कर रहे थे तो उनके कुछ फैंस ने उनसे ऑटोग्राफ मांगा, और उसमें जब एमी वे बंटाई अपना नाम लिख रहे थे तब पहले से ही किसी ने कृष्णा नाम का ऑटोग्राफ छाप रखा था, और कृष्णा के नाम के साथ एमी वे बंटाई का ऑटोग्राफ ले लिया और फिर उसी के साथ एमी वे बंटाई की फोटो क्लिक की, लेकिन शायद एमी वे बंटाई ने नाम नहीं देखा होगा, या फिर उनको कृष्णा के ऑटोग्राफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो क्या अगर एमी वे बंटाई का नाम किसी पेपर पर लिखा होता और कृष्णा से कोई ऑटोग्राफ लेता तो क्या वो साइन करते, आप लोग कमेंट्स में बताइए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।